पिस्टल छीनकर भाग रहे बदमाश गिरधारी विश्वकर्मा की एनकाउंटर में मौत हो गई। अभियुक्त गिरधारी उर्फ डॉक्टर को बाउम्मीद हत्या में प्रयुक्त असला बरामदगी हेतु अभियुक्त को लेकर सहारा हॉस्पिटल के पीछे खरगापुर क्रॉसिंग के पास आए। जैसे ही गाड़ी रुकी और लोग सीट से उतरे कि उपनिरीक्षक अख्तर उस्मानी अपनी साइड से अभियुक्त को उतार रहे थे, तभी अभियुक्त मजबूत जिस्म का होने के कारण उपनिरीक्षक अख्तर उस्मानी के नाक पर सर से वार किया, जिसमें अख्तर उस्मानी गिर गए और उनकी पिस्टल लेकर भागने लगा, जिसका पीछा वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनिल सिंह द्वारा किया गया तो उनके ऊपर फायर करता हुआ झाड़ियों में भाग गया, जिसकी सूचना ब्रेवो कंट्रोल रूम में 112 पर दी गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस उपायुक्त पूर्वी आ गए, जिसको हम पुलिस बल व प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह व प्रभारी निरीक्षक अतिरिक्त चारों तरफ से झाड़ियों को घेर कर आत्मसमर्पण के लिए चेतावनी दी, लेकिन उसके द्वारा छीनी गई सरकारी पिस्टल से बार बार फायर किया गया, तभी जवाबी फायरिंग में उसे गोली लग गई और चिल्लाता हुआ गिर गया। पास जाकर देखा गया तो उसकी सांसें चल रही थी। तत्काल सरकारी गाड़ी द्वारा राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जफर खान, लखनऊ, समाचार 24। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 15/21, धारा 302, 307, 120B वे 34 IPC में से संबंधित अभियुक्त गिरधारी विश्वकर्मा उस डॉक्टर को बाउम्मीद हत्या के में प्रयुक्त असला बरामदगी हेतु आज पुलिस पार्टी द्वारा सहारा अस्पताल के पीछे खरगापुर क्रॉसिंग पर ले जाया गया, जहां पर अभियुक्त को गाड़ी से उतारते समय अभियुक्त द्वारा उप निरीक्षक अख्तर उस्मानी पर के नाक पर अपने सिर से वार किया गया, जिसके कारण वो चोटिल होकर गिर गए और अभियुक्त द्वारा उसकी सरकारी असला अपने कब्जे में लेने में सफलता प्राप्त की गई और असला लेकर वे झाड़ियों की तरफ भागे, जिसका पीछा जो है पुलिस पार्टी द्वारा किया गया और अभियुक्त द्वारा उसी असले से एक फायर पुलिस पार्टी पर किया गया, जो कि उस पार्टी में मौजूद उप निरीक्षक अनिल सिंह के दाहिने बाजू से लगती हुई गई। उसके पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त को घेर लिया गया और द्वारा RT-Set 112 की सूचना दी गई, जहां पर सूचना पाते ही पुलिस उपायुक्त पूर्वी भी मौके पर पहुंच गए और फिर समस्त पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त को घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, परंतु उसके द्वारा पुनः उसी सरकारी असले से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी द्वारा भी उस पर फायरिंग किया गया। अभियुक्त इस फायरिंग से चोटिल हो गया और वहीं पर गिर गया। एहतियात बरतते हुए अभियुक्त के पास जाकर देखा गया कि उसमें अभी जीवित होने के आसार शेष है, तो तत्काल उसे राम मनोहर लोहिया के ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। ये पूरी घटनाक्रम सुबह करीब 2:30 बजे की है और इसमें जो पुलिसकर्मी घायल हुए वो है अख्तर सईद उस्मानी, जिनके नाक पर चोट आई, SSI अनिल कुमार सिंह, जिनके दाहिने बाजू पर गोली लगी, एवं उसके अतिरिक्त इंस्पेक्टर विभूति खंड चंद्रशेखर के बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी अभियुक्त द्वारा चलाई गई एक गोली की चोट लगी। शेष कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जा रही है।